और ये मेरा हॉल बेडरूम। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हम कैसे एडिटिंग करते हैं। कल मैं बनाऊंगा मेरी वीडियो की शूटिंग और तुम देखते रहना। डर गए? डरो मत, अपना ही चैनल है। ये साहबजादे हमारे भतीजे हैं, विनोद याद है बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ एंड आई एम गेटिंग स्कैर्ड। हैशटैग टेक्नो वाज फाउंड विनोद। चलो भाई, में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। हमने सोचा हम भी थोड़ा मजाक कर लेते। हमने भी विनोद को ढूंढ लिया, हमारा ही घर में था और मुझे भी कल रात में पता चला। सो फनी। ये शुरुआत हुई थी स्ले पॉइंट से, उन्होंने अपने वीडियो में बताया। उसके बाद कमेंट में विनोद, वहां से निकला हर जगह पर विनोद। मेरे कमेंट में भी विनोद। मैंने बोला आज ढूंढ के आपके सामने लेके आ जाते। बाय द वे इज प्रिपेयरिंग, आई एम ऑल्सो वेटिंग। खैर दोस्तों, कल मैंने पोल रखा था, आपसे पूछा था कि आप कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ज्यादा शॉपिंग करते हैं। 1,25,000 के आसपास लोगों ने वोट डाला, उसमें से 68% लोगों ने कहा फ्लिपकार्ट, उसके बाद Amazon और उसके बाद जियो मार्ट, डी मार्ट, अदर्स वगैरह वगैरह। मतलब इतना ज्यादा लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। बाय द वे दोस्तों, कल एक एक्सपेंसिव गिव अवे आएगा, हमारे चैनल का सबसे एक्सपेंसिव गिव अवे होगा। आप देखना, सुबह में वीडियो आएगा, उसमें जरूर से जाके पार्टिसिपेट करना। और गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों लेके आ गया हूं, लाइक करते रहिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे सैमसंग से। सैमसंग का दोस्तों वन यूआई 3 बीटा प्रोग्राम यहां पर शुरू हो चुका है और ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज में सबसे पहले अवेलेबल होगा, जो एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड होगा, विच इज इंटरेस्टिंग। और ये फिलहाल के लिए यूएस और साउथ कोरिया में, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये और भी बेटर और भी सिक्योर होगा और ये शुरुआत S20 सीरीज से होगी। उसके बाद धीरे धीरे सैमसंग के मिड रेंज और फिर बजट फोन्स में भी आपको मिल जाएगी। देखते हैं दोस्तों, इंडिया में जब आएगा तो मैं जरूर से, मेरे पास S20 है, मैं उसमें आपको टेस्ट करके बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है, निकल गया, सॉरी यार। टिकटॉक दोस्तों आपको तो पता ही है यूएस में बैन होने वाला है। उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने 45 दिन का टाइम दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ने छलांग लगा दिया, बोला हम इसको एक्वायर्ड कर लेगा। अब दोस्तों बुरी खबर ये निकल कर आ रही कि ये माइक्रोसॉफ्ट ना यूएस का ठेका तो लिया था, लेकिन अब बोल रहा है कि ग्लोबली भी हम टिकटॉक को एक्वायर कर लेगा। जहां जहां दोस्तों टिकटॉक के जो ऑपरेशन है वो हम ले लेगा। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करी है और उसके बाद बताया जा रहा है कि इंडिया और यूरोप के अंदर भी वो टिकटॉक का जो चल रहा है ऑपरेशंस हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको वो लोग एक्वायर कर लेंगे। अगर वैसा हो जाता है दोस्तों तो मे बी टिकटॉक इंडिया में दोबारा आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी होगी, ना कि टिकटॉक की या चाइना के बाइटी डांस की, किसी की भी नहीं होगी। तो ये गेम यहां पर अभी चल रहा है और मुझे लग रहा है ऐसा देख के, ऐसा अंदर से कि टिकटॉक शायद इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के कंधे पर चढ़ के आ सकता है। क्या ख्याल है दोस्तों इसके बारे में? मत ख्याल ही मत करो, जान दो। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज काफी बड़ी खबर आ रही है और अभी तक का Xiaomi का सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है। इंडिया के अंदर उनके जो फोन्स यूज हो रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है और भी बहुत सारे लोग उनके फोन परचेस कर रहे हैं। तो प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा लफड़े हो रहे थे, क्योंकि काफी सारे जो एप्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, उसमें से Xiaomi के भी काफी सारे एप्स थे, जो सिस्टम एप्स थे, प्री इंस्टॉल एप्स थे वगैरह वगैरह। अब मनु कुमार जैन ने एक नया ट्वीट करके ये बोल दिया कि हम एक नया MIUI का वर्जन लेके आएंगे, जिसमें आपको कोई भी बैंड चाइनीज एप्स नहीं दिखाई देंगे, क्लीन मास्टर वगैरह कुछ भी यहां पर नहीं होगा और पूरा के पूरा जो हमारा डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, उसकी उन्होंने यहां पर गारंटी लिया। पूरा एक नोटिस जारी कर दिया, जो मुझे देख के अच्छा लगा, थोड़ा पहले कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्होंने ये किया तो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो जो ऐसा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, उन पर हम मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, हमारे पास वो अथॉरिटी है, ऐसा उन्होंने यहां पर बता दिया। तो जी हाँ, तो Xiaomi अभी एक नया वर्जन लेके आएगा MIUI का, हम भी टेस्ट करेंगे और उसमें से अगर सब कुछ सफाया हो जाता है तो अच्छी बात है, उस पर आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज दो खबरें आ रही है। सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कंफर्म नहीं है कि Realme अपना गेमिंग स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करेगा। उन्होंने ऐसे कुछ गूगल फॉर्म्स जारी कर दिए जहां पर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं गेमिंग से रिगार्डिंग और एक्सेसरीज से रिगार्डिंग। तो इसका मतलब क्या दोस्तों कि ये जो एक्सेसरी की वो लोग बात करें, गेमिंग एक्सेसरी की, शायद वो लोग गेमिंग फोन लॉन्च करेंगे जिसके साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। मे बी या फिर एग्जिस्टिंग फोन के साथ में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इससे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन गेमिंग से रिगार्डिंग कुछ वो लोग कर रहे हैं। मे बी रियलमी का एक गेमिंग स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है जो सितंबर में शायद आ सकता है। बाद में दोस्तों रियलमी जो सी सीरीज है उसमें रियलमी C12 और C15 आ जाएगा। इंडिया में अगस्त के महीने में दो फोन आ रहे हैं और माधव शेठ ने उससे रिगार्डिंग एक ट्वीट भी कर दिया था। उन्होंने ऐसा बताया भी कि C4 से लेके C10 तक फोन्स क्यों नहीं आए, उसके बारे में भी उन्होंने कोशिश किया, हमें हजम नहीं हुआ। बात वही है। खैर दोस्तों क्या लगता है Realme C15 या C12 के बारे में? एक ही खेत की मूली है, एक ही चीज मिलेगी, ऊपर नीचे प्राइस होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय द वे दोस्तों हमने इस स्मार्ट वॉच का आज अनबॉक्सिंग किया है। 2500 रुपए की है सिस्का की, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच है। अगर आपकी बजट उसके आसपास है तो इसको जरूर चेकआउट करना। वीडियो डाला हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कार्ड दे रहा हूँ, जरूर से जाके देखना। तो यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से खबर आ रही है। इन्फिनिक्स ने भाई अचानक में भयानक कर दिया। जब कोई कंपनी अचानक में ऐसा कुछ कांड करती है तो हम बोलते हैं अचानक में भयानक करना। इन्फिनिक्स का Zero 8 करके एक फोन जो है दोस्तों वो गूगल प्ले कॉन्सोल पर लिस्ट हो गया है और इसमें दोस्तों Helio G90 वाला प्रोसेसर दिखा रहा है। जी हाँ, इन्फिनिक्स के फोन में ये प्रोसेसर मिल रहा है। फुल HD की आपको डिस्प्ले मिलेगी, 8GB तक की इसमें रैम दिखाई दे रही है। फोन देखेंगे सामने से आपको बताया जा रहा है कि डुअल पंच होल होगा और पीछे आपको क्वाड कैमरा मिलेगा। उसकी भी डिजाइन थोड़ी आपको अलग दिख रही है। मतलब Infinix Zero 8 ये जो फोन आएगा दोस्तों जो इंटरेस्टिंग होगा, और अगर अंडर 15,000 होता है तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले इंडिया में Infinix की Note 7 सीरीज आएगी, उसके बाद हमें ये फोन शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे एकदम सरप्राइज हो गया देख के कि Infinix वाह कमाल कर दिया भैया। तो यहाँ पर दोस्तों Qualcomm की तरफ से खबर आ रही है और Qualcomm वाले भाई अचानक से ऐसा बताया जा रहा है कि अपने Snapdragon 860 वाला प्रोसेसर लेके आ सकते हैं। ये डिजिटल चैट स्टेशन ने ऐसा पोस्ट किया था। हमें Snapdragon 835 मिला है, 845 आया है, 855 आया है, फिर 65 आया है, अभी 75 तो आएगा लेकिन 60 आ रहा है 55 और 65 के बीच में दोस्तों। अब ये किस तरीके का काम करेगा हमें कुछ नहीं पता है, बस ये प्रोसेसर आएगा ऐसा डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया है। अभी Snapdragon के प्रोसेसर में इंटरेस्टेड हमें होता ही है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अब MediaTek में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो लोग अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों MediaTek Snapdragon किसी को अगर ऑनेस्टली सेलेक्ट करना होगा आप किसको करेंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है। जब सैमसंग धड़ाधड़ अपने फोल्डेबल फोन्स लेके आ रहा है जो कमर्शियली अवेलेबल भी हो रहे हैं, चल भी रहे, तो बहुत सारी कंपनीज कोशिश कर रही है, तो गूगल कैसे पीछे हटेगा दोस्तों? गूगल का दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा इंटरनल नोट्स यहाँ पर लीक हुआ और 925 गूगल द्वारा हमें पता चल रहा है। उसमें पिक्सल 4a की भी बात हुई थी दोस्तों जो 2021 में आएगा ऑब्वियसली। उसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि गूगल का एक फोल्डेबल फोन भी आएगा, पिक्सल सीरीज में होगा। यस, और ये 2021 में आएगा। मतलब गूगल भी दोस्तों एक फोल्डेबल फोन पे काम कर रहा है। हालांकि पहले उनके काफी पेटेंट्स निकल कर आए थे, लेकिन अब दोस्तों ये चीज सही हो रही है और 2021 में गूगल भी अपना फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा। 2 किडनियां एक भी नहीं, वो सीन मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है क्योंकि वो गूगल है। क्या आपको पता है कि दोस्तों एंथनी ग्रेको ये वर्ल्ड का पहला इंसान था जो 2005 में जिसको अरेस्ट किया गया था। आपको पता है किस लिए? स्पैम मैसेजेस के लिए आते ना ईमेल में, जीमेल में, उसके लिए इसको अरेस्ट किया गया था 2005 में। तो आज की न्यूज़ खत्म होती है। मेरी करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करना, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।